नमस्कार, INC7 न्यूज में आपका स्वागत है। हर खबर पर हमारी पहली नजर। मैं हृदय द्विवेदी। आचार संहिता के चलते हुए निवाड़ी जिले की पहली और बड़ी कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की गई। बता दें कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी संतोष दूसर, जो निवाड़ी तेगल पर रामराजा बियर हाउस के मालिक बताए जाते हैं, उन पर एक कार्रवाई हुई है। जैसे ही मुखबिर ने सूचना प्रशासन को दी कि रामराजा बियर हाउस के गोदाम में मिलावटी पाम ऑयल बनाया जा रहा है, प्रशासन तुरंत हरकत में आया और एक छापामार दल गोदाम पर पहुंचा, जिसमें SDM संतोष तिवारी, तहसीलदार राजेश बोरासी, थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर गर्ग व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा अमला बड़ी तेजी से गोदाम सील करने की तैयारी में जुट गया। तब तक वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा हो गया। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर मीडिया के रहते हुए 2 घंटे तक मौका स्थल पर नहीं पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों का मूड बदल गया और तेल के सैंपल पर अटक गया। मीडिया के जाने के बाद तेल का सैंपल फूड इंस्पेक्टर संदीप पांडे ने लिया। अब देखते हैं उस सैंपल में क्या निकलता है, प्रशासनिक कार्रवाई क्या करती है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। INC7 न्यूज में बने रहिए आप हमारे साथ। मैं गुड्डू महाराज। रामराजा बेहर हाउस पर संतोष गुप्ता जी का उसका भंडारण केंद्र है पाम ऑयल का। शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये टैंकर मंगाते हैं बाहर से और उसके बाद गैरेज में बिक्री करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं। उसकी सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लेबोरेटरी को भेजे जाएंगे और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक अंतिम कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने क्या पाया? अभी तो इनका टैंकर खाली हो रहा था। फूड एंड ड्रग की टीम को बुलाया है हमने, वो आने वाले हैं। उसके बाद वो विमान पर उनके नियम में है जो सैंपलिंग की कार्रवाई।